आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं और ये आपके मेहमान हैं, इनको आप शुक्रिया अदा करें। ये एहतिशाम साहब आए हैं, एहतिशाम दो हैं, वन और टू हैं। Thank you.
महसूस किया, एक अच्छी गैदरिंग बनाई है, जगह अच्छी है और हम तो गाते ही रहते हैं इसलिए हमें कोई मसला नहीं है। अच्छी अच्छी लोग अच्छे हैं और इटसेल्फ मतलब वो जो अपनी हैं नीलम जो हैं शी इज़ हरसेल्फ वेरी गुड, उनका बड़ा अच्छा मिजाज है, मुझे अच्छा लगा। दैट्स इट, वो फर्स्ट टाइम यू हैवंट सीन एनीथिंग, क्या कहूँ जी। एक्चुअली ये होता ये है कि आप जब एक दो बार आते हैं तो कुछ ऐसे देख पाते हैं कि कुछ कह सकें। अभी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं इस वक्त परेशान थी कि देर बहुत हो रही है और मैं जाना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत देर नहीं रुकती हूँ, कहीं मैं चली जाती हूँ। तो वैसे अच्छा माहौल है, अच्छे लोग हैं, सलीके से सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, दैट्स इट, और ऐसा ही होना चाहिए। और हाँ, फ़ख्र साइड से बड़ी घूर रहे हैं मुझे, मैंने आज इन्हें पहली बार बोलते सुना है, वो फर्स्ट टाइम विटनेस किया है, अच्छा बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नीलम आर्ट एकेडमी में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और इसने बहुत अच्छा एक महफिल बहुत अच्छी सजाई है जिसमें छोटे बड़े सबको उसने परफॉर्म करने का मौका भी दिया और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, मेरी दुआएं हैं इसके साथ और अल्लाह ताला इसको तरक्की से तरक्की देते रहे। और बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया हुआ इसके हस्बैंड इमरान, उन्होंने और दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी एकेडमी खोली है जहाँ पे आप छोटे सिंगर बड़े सिंगर सब एक तरह से परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, मिशन न्यूज़ को मैं यहाँ खैर मकदम करता हूँ और किरण प्रोडक्शन, किरण आर्ट प्रोडक्शन में आप लोग आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। किरण आर्ट प्रोडक्शन ने नए लोगों को मुतारफ करवाने के लिए बड़ी मेहनत की है और आज का ये शो भी उसी कड़ी का एक नतीजा है जो ख़ास तौर पे आसमा खान के एजाज़ में रखा गया है और उसके साथ साथ बहुत से फनकार यहाँ पे साथ में हिस्सा ले रहे हैं और ये एक अच्छी काविश है और जो नए लोग गाते हैं उनके शौक़ को पूरा करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एक आर्ट काउंसिल के अलावा और कोई जगह नहीं है। ये एकेडमी जो तामीर की गई है, एकेडमी जो काम होते हैं ये फनकारों की हौसला अफजाई के लिए होते हैं और फनकार यहाँ के अपने जो अंदर की भड़ास होती है वो निकाल देते हैं। तो बहरहाल ये काबिल तारीफ है नीलम आर्ट प्रोडक्शन और नीलम ने खास तौर पे बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और ऐसी ही इनका किया करें और अच्छे फनकारों को यहाँ मुतारफ करवाया करेंगे। और इसके अलावा और जो नए लोग हैं उनके लिए भी स्पेशली मैं उनसे ये कहूँगा कि फनकारों की हौसला अफजाई आपके पास आपकी वजह से होती है और इसी तरीके से मुख्तलिफ शहरों में भी अकेडमियाँ होनी चाहिए जो फनकारों की हौसला अफजाई होती रहे। आपसे मैं मुखातिब था फ़ख्र खान, मेरा शो भी एज ए होस्टिंग का है और कोशिश मेरी यही होती है कि फनकारों को मैं भी प्रमोट करूं, फनकारों को अच्छी तरीके से पेश करूं। तो नीलम आर्ट प्रोडक्शन की कोशिश सराही जा रही है और इंशाल्लाह ताला आगे तरक्की भी करेगी और हमारी दुआएं उसके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज के हमारी ये महफिल आसफा खान के नाम है। आसफा खान जो इंटरनेशनल सिंगर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं और आज हमारी एकेडमी में उनकी पेशराई की जा रही है और उनको दाद दी जा रही है, उनको वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में और बहुत अच्छा लग रहा है आज वो हमारे साथ हैं और इंटरनेशनल सिंगर हमारे साथ हैं माशाल्लाह और हमारी पूरी टीम उनको वेलकम कहती है और उनके जो ना सिंगिंग को सहराती है।
माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं। आसफा इंशाल्लाह हमेशा आसफा के साथ रहेंगे और हमारी दुआएं इनके साथ रहेंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आगे और यहाँ का माहौल देखकर, और बहुत अच्छा लगा इस अकेडमी में खुद परफॉर्म करके। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग से मिला मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यही कहूँगा कि इंशाल्लाह मैं भी आगे बढ़ूँ। और अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ नीलम आर्ट प्रोडक्शन के अंदर। बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और बाखुदा मुझे बार बार आने को दिल चाहता है। अगर ये 24 घंटे प्रोग्राम चलता रहे तो मैं 24 घंटे यहाँ बैठा रहूँ। और आज हम अमीन भाई के साथ आए हैं। अमीन सोत्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रेलवे के सीनियर इंस्पेक्टर हैं। अमीन भाई आ जाएं अमीन भाई, आप आ जाएं अमीन भाई, आ जाएं जल्दी से, आ जाएं आप, आ जाएं। खैर अमीन भाई बैठे हैं हमारे साथ सामने ही, और बहुत ही मेहनत और मशक्कत है हमारी मैडम नीलम और इमरान भाई की, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। इतने अच्छे गुलूकार मैडम आसफा हैं, मैडम खुद नीलम हैं, उमर साहब हैं, और बहुत सारे फनकार जिन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मज़ा आया। बहुत कीमती टाइम होता है लेकिन हम फिर भी आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो म्यूज़िक है वो रूह की जो है ना सुकूनियत है। तो मेरा मैसेज यही होगा सबके लिए कि जनाब यहाँ आए हैं आप लोग और नीलम आर्ट प्रोडक्शन को प्रमोट करें और एडमिशन लें, सीखें कुछ यहाँ से। हम भी सीख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हमारी दुआ है कि नीलम आर्ट प्रोडक्शन और भी आगे बढ़ेगा। हम इनके साथ हैं हर तरफ, हर जगह, हर तरीके से हम इनके साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। किसी भी जगह में इत्तेफाक से मिल जाते हैं, इत्तेफाक नहीं होता है और औरंगजेब शहजाद होता है। आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है कि आप फनकारों को जागृत करते हैं। अच्छा जी, बहुत सी तालियां अपने लिए भी होनी चाहिए। प्रोग्राम अब तक का कैसा लगा? थोड़ा सी तालियां, कैसा लग रहा है? और फनकारें तो बहुत सारी बैठी हुई है, एक फनकारा बैठी हुई है हमारे पास, आरजू मंजूर बैठी हुई है, लेकिन एक बड़ी सुपर डुपर फनकारा, इंटरनेशनल फनकारा जो पाकिस्तान से बाहर भी जाकर अपना लोहा मनवा चुकी है। और फनकार के लिए जब काम नहीं होता तो अजीब सी उलझन महसूस होती है, और बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हुए बाहर भी गई, यहाँ पे भी कर रही है, बड़े इवेंट किए। आज हमारी कुछ नसीबी है कि नीलम आर्ट प्रोडक्शन में वो यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाई है तो हम उसे मोहब्बत में बुलवाना चाह रहे हैं आपको जोर तालियों में। वेलकम टू द स्टेज। अगर वो जूता सामने तो फिर सजदा नहीं होता। मैंने कहा बजाय इरशाद है आपका, लेकिन पीछे रखो जूता तो फिर जूता नहीं होता।
मैडम जी की एकेडमी में आकर बहुत अच्छा लगा, और उसके अलावा मुझे उनको सुनने के बाद भी बहुत अच्छा लगा, और उनको सुनने के बाद हमें भी हौसला मिला और हमने भी गा लिया, और इंशाल्लाह आते रहेंगे यहाँ पर, और बहुत अच्छी यहाँ पर एकेडमी है, मुझे बहुत पसंद आई है, और इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग अच्छे अच्छे और आर्टिस्ट को यहाँ सुनेंगे और खुद भी गाएंगे जी।